नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से जया बच्चन राजनीतिक गलियारों से लेकर बॉलीवुड तक अपने बेतुके बयान की वजह से सुर्खियों में छाई हुई हैं। आम जनता से लेकर खास व्यक्ति तक के निशाने पर जया बच्चन आ चुकी हैं। सोशल मीडिया पर हर दूसरा पोस्ट जया बच्चन से जुड़ा हुआ देखने को मिल रहा है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं जब जया बच्चन अपने बेतुके बयान को लेकर इस तरह से चर्चा में छाई हो। खैर, आप लगातार पिछले 3-4 दिनों से जया बच्चन को लेकर कौन क्या बोल रहा है इस चीज से बखूबी वाकिफ होंगे। लेकिन इस समय सोशल मीडिया पर एक और ट्वीट वायरल हो रहा है और ये वायरल ट्वीट टीवी की महाभारत के अर्जुन का किरदार निभाने वाले फिरोज खान के नाम से है, जिसमें जया बच्चन के लिए आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। इस वायरल ट्वीट में लिखा हुआ है, अमिताभ बच्चन ने पिछले 50 सालों में जो अपनी इज्जत बनाई थी, उसकी नटगुल्ली पत्नी ने उस इज्जत का कबाड़ा कर दिया। अब ये ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लेकिन इस ट्वीट को देखने के बाद एक चीज जो अटपटी लगी वो ये कि फिरोज खान के नाम का ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड नहीं है। जैसे ही NMF की टीम ने फिरोज खान के नाम से इस ट्वीट को देखा, उसकी सत्यता की छानबीन करने की कोशिश में लग गई। इस छानबीन के दौरान हमारी टीम ने देखा कि महाभारत के अर्जुन एक्टर फिरोज खान के पैरोडी अकाउंट से ये ट्वीट किया गया। दरअसल फिरोज खान के नाम से ट्विटर पर एक फन पेज बना हुआ है और इसी फन पेज से जया बच्चन को लेकर इस तरह का ट्वीट किया गया। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि फिरोज खान नाम से बने इस ट्विटर हैंडल पर लिखा है एक्टर डायरेक्टर फन पेज। खैर, इस ट्वीट के वायरल होने के बाद कई लोग इसे गलत बता रहे हैं तो कई लोग जया बच्चन पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें, ये ट्वीट मंगलवार रात को किया गया। हाल ही में पनामा मामले में ऐश्वर्या से ईडी की पूछताछ के बाद सपा सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस रही जया बच्चन की राज्यसभा में नाराजगी काफी चर्चा में रही। जया बच्चन ने कहा था, मुझ पर निजी हमला किया गया, मैं आपको श्राप देती हूं कि आप लोगों के बुरे दिन आएंगे। बहरहाल जया बच्चन ने आगे और क्या कुछ कहा था, जाते जाते आपको एक बार फिर उसी बयान के साथ छोड़ जाते हैं। सुनने के बाद इस पूरी खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा, क्योंकि समझ में नहीं आता कि जब आप इस तरफ से चिल्ला के वेल में जाते थे उस वक्त को याद करूं या आज आप कुर्सी पे बैठे हैं तो उस वक्त को याद करूं। सर, दुख की बात यह है कि ये ऐसा वक्त है जहां बड़े बड़े चीजों एक मिनट अंडर व्हाट रूल मेंबर पॉइंट ऑफ ऑर्डर अंडर व्हाट रूल Opposition is degrading the house. They are casting a person on the chair. This is the degradation of the house. This is not the custom of the house that you are casting. Any member can be the chair. Anybody can sit on the chair. You cannot degrade the member. Chair. Kindly remove him. Kindly remove it. And warn the member not to use this. Another time. Same thing. Okay. I vote on the record. If something is there, it will be expunged. And I will request honorable member to start her speech. Sir, thank you for calling me honorable. And if you really believe I'm honorable, then listen to me carefully. We want justice. Don't expect justice from there. But can we expect it from you? How are you protecting the members of this house or the 12 members sitting outside? How are you protecting them? I am going to speak. It looks like you are not interested in the bill. Discussions baki. You are not interested in the narcotics. Please.
मेरा मौका है बोलने का, आपका मौका है बोलने का। नार्को केस बिल पर मुद्दे है डिस्कस करने के लिए, और मगर हम लोगों ने 3-4 घंटे दिए क्लेरिकल एरर डिस्कस करने के लिए। व्हाट इज गोइंग ऑन, दिस इज टेरेबल। और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। अगर ऑनरेबल मेंबर, आपके बहुत जल्दी आने वाले हैं, अगर आपके अंदर इतनी भी आपके कोलिग्स, you don't have to reply to him. सर बात ही ना करने दे, आप एड्रेस कीजिए शेयर को, आप शेयर को चलाइए, घोड़ दीजिए हम लोगों का, आप लोग चलाइए। क्या बोल रहे हैं आप? मत आप, what are you saying? Tell me what are you saying? Have the courage to stand up and speak and make such nasty remarks. I think you are not interested. What are you saying? I think you are not interested. I am calling the next member. ये जो बोल गए ये आप रखेंगे? I think ये जो भी बोल के गए वो आप रखेंगे? आप आपका जो बोला, I expect you to take action on the comment that he made about me and my children. That will be. You want to be fair? You're sitting on the chair. You don't belong to any party, sir. You do justice, or you tell the whole house and the entire country that you don't believe in justice. पर बोलिए। He made a personal remark. आप विषय पर बोलिए। आप विषय पे नहीं बोल रहे हैं। You, he made a personal remark. आप विषय पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। How dare he do it? You have to protect. If you have to fight, if you have intention to fight, this is not the forum. I am very sorry. I am calling the next speaker. Sir, how can they make personal remarks in the house? How can they make personal remarks in the house? बड़े दुख की बात है कि आप लोगों के दिल में इतनी भी समझ नहीं है, और इतना भी आप लोगों के लिए, आप लोगों के पास अपने रिस्पेक्टेड कोलीग्स जो बाहर बैठे उनके लिए जरा भी सम्मान नहीं है। आप लोगों को बुरे दिन आएंगे। आई कॉस्ट यू, House is adjourned till 5 p.m.